गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का PBR स्टडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था धारा 376 और धारा 302 के बारे में, यानी कि हत्या और बलात्कार, ये दो केस जो होते हैं इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानकारी पिछली वीडियो में ले लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, उसे देख लीजिएगा। और फिर आज हम बात करते हैं कुछ और भी इसी तरह की संगीन धाराएँ, जैसा कि हत्या का प्रयास करना भी एक बहुत बड़ा केस बनता है। तो चलिए देखते हैं धारा 307 के अंतर्गत क्या आता है। प्रिय मित्रों, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने विचारों और सुझावों को जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई बदलाव करना चाहते हैं या कोई आपको समस्या लगती है तो निसंकोच आप नीचे ड्रैग करके कमेंट करें या आप हमें ईमेल कर सकते हैं pbrstudy@gmail.com पर। तो याद रखिएगा pbrstudy@gmail.com। चलिए बढ़ते हैं आगे। धारा 307 हत्या के प्रयास के लिए लगने वाली एक धारा है जो कि IPC के अंतर्गत आती है। IPC का मतलब आप जानते हैं, भारतीय दंड संहिता, जिसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो आगे चलें। आगे चलने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि IPC का पूरा मतलब क्या होता है। I का मतलब होता है दोस्तों इंडियन, और P का मतलब होता है पैनल या पैनल, ठीक है, और C का मतलब होता है कोड, यानी कि IPC का पूरा मतलब होता है इंडियन पैनल कोड। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। धारा 307 जो कि हत्या के प्रयास यानी कि मर्डर के लिए ट्राई करने पर ये लगती है। हम एक ऐसे समाज और देश में रहते हैं जहाँ के संविधान में हमें न केवल मूलभूत अधिकार दे रखे हैं बल्कि आज़ादी और अभिव्यक्ति की सुरक्षा को लेकर कुछ खास नियम और कानून भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी की हत्या करने के प्रयास में तो 307 लगती है, इसके अलावा अगर आप खुद सुसाइड करना चाहते हैं तब भी आपके ऊपर धारा लगती है, यानी कि आप अपने आप को भी नहीं मार सकते हैं। अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। समाज में होने वाले ऐसे अपराधों में से एक है हत्या का अपराध। और क्या आप भी जानते हैं, किसी के भी जीवन को लेने का हक ना तो हमारे संस्कृति को है और ना ही यह संस्कृति हमें देती है और ना ही समाज के नियम और कानून, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीने का हक उतना ही है जितना आपका अपना। इसलिए इस तरह के अपराध के प्रति कठोर कानून है जिसे IPC की धारा 307 के अंतर्गत कवर किया गया है। तो चलिए इसके बारे में करते हैं कुछ महत्वपूर्ण डिस्कस। ध्यान दीजिएगा, IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड धारा 307 के अंतर्गत क्या है, आइए देखते हैं। IPC धारा 307 हत्या की कोशिश और आपराधिक श्रेणी में लाती है। इस धारा के तहत उस अपराधी पर मुकदमा चलता है जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास किया हो और पीड़ित की जान बच गई हो। ऐसे मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा तय की जाती है। इस तरह के मामले में वह मामले भी आते हैं जिसमें किसी अपराधी द्वारा किसी धारदार हथियार से हमला किया गया हो। अगर उस तरह के हमले पीड़ित के लिए जानलेवा साबित होते हैं तब उस पर भी हत्या करने का मुकदमा चलता है, मतलब कि हत्या के प्रयास के लिए, और उसे भी उतना ही सजा मिलती है। एक बात आप ध्यान दें, धारा 307 तब लगती है जब कोई किसी की हत्या करने की कोशिश करता है और वह अगर हत्या करने में सफल हो जाता है तो उसके ऊपर धारा 302 लगाई जाती है। भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC इंडियन पेनल कोड की इस धारा 307 के तहत दोषी को 10 साल की कैद और जुर्माने या फिर दोनों हो सकते हैं। साथ ही अपराध की गंभीरता को देखते हुए अगर यह साबित होता है कि पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं तो अपराधी को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। उम्र कैद का मतलब आजीवन कारावास और आजीवन कारावास का मतलब पूरे जीवन के लिए जेल। मुख्य बिंदु क्या है ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर व्यक्ति किसी की हत्या करने का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 वर्ष की कैद यानी कि जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथ ही धारा 307 के तहत यह अपराध गैर जमानती और संगीन अपराध है। हत्या करने, ये ध्यान दीजिएगा, जो मैंने संज्ञेय को संगीन पढ़ा है दोनों का मतलब एक होता है, क्योंकि हम कहीं कहीं जो लिखी हुई बात को कुछ अलग शब्दों में बोलते हैं तो आप उससे बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर हत्या करने के प्रयास के दौरान पीड़ित को इससे चोटें लगती हैं तो 10 वर्ष की सजा को अधिकतम उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जुर्माने को भी प्रावधान किया जा सकता है, मतलब कि जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
यह भी जमानती अपराध नहीं है। अगर अपराधी जिसे आजीवन कारावास की सजा हुई है उसके द्वारा हत्या के प्रयास में किसी को चोट पहुंचती है तो भी आर्थिक दंड के साथ आजीवन कैद के अलावा मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। यह अपराध समझौते की योग्य नहीं है। तो ये थी धारा 307 जिसके बारे में आपने देखा। अगर इसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप निसंकोच हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आपके द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार बदलाव करेंगे। ईमेल आईडी है pbrstudy@gmail.com। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आत्महत्या यानी कि सुसाइड के अपराध के रूप में लगने वाली धाराएं। तो जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि दोस्तों किसी का भी जीवन लेने का आपका कोई हक नहीं है, यहाँ तक कि आप अपनी खुद की ज़िंदगी के भी मालिक नहीं हैं। अगर आप खुद सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं तब आपके ऊपर धारा 309 लगाई जा सकती है। ध्यान से देखिएगा पूरी जानकारी को। IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा 309 के तहत जो आत्महत्या करने की कोशिश को अपराध के दायरे में आता है और इसे ब्रिटिश काल में भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद भी यही प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल रहा है, जिसे हटाने के लिए बार बार कोशिश की गई। विधि आयोग ने सबसे पहले 1961 में इस धारा को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन समय समय पर किसी न किसी कारणवश यह मामला ठंडे बस्ते में ही चले जाए तो क्या कहना। चलिए आगे देखते हैं IPC की धारा 309 के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। धारा 309 में बहस काफ़ी लंबे समय से जारी रही और मोदी सरकार ने 10 दिसंबर 2014 को ख़त्म करने का ऐलान किया था। जनता सरकार के समय 1977 को संसद में संशोधन विधेयक लाया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य इसे ख़त्म करना था, लेकिन राज्यसभा में पास होने के बाद इसे लोकसभा में पेश होना था और उससे पहले ही सरकार गिर गई थी जिसकी वजह से यह लटक गया। मोदी के कार्यकाल में फालतू के कानूनों को हटाने की मुहिम, यह ऐलान नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। पहले की कुछ स्थितियों की तरह ही इस बार भी 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश धारा 309 को ख़त्म करने के पक्ष में है, लेकिन बाकी के राज्यों ने इस मामले में अभी और अधिक सुलझाने के बारे में कहा है, मतलब कि और अधिक सुलझता के बारे में कहा हुआ है। इस पूरे प्रकरण में चलिए हम आपको दिखाते हैं और आगे। इस पूरे मामले पर जानकारों का कहना है कि धारा 309 के ब्रिटिश काल में लागू होने में कई तरह की चीज़ों का मिश्रण है। पहली बात तो उस समय ब्रिटिश राज था, साथ ही ईसाई धर्म और भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्महत्या करना गलत माना जाता है, इसलिए इसमें धर्म का पहलू भी है। साथ ही जानकार यह भी कहते हैं कि उस समय अंग्रेजों ने इस कानून को अलग तरीके से देखा और वो किसी की आवाज़ को दबाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। जब ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार की वजह से किसी की मौत हो जाती थी तो वो इसे आत्महत्या में बदल दिया करते थे और अगर कोई बच जाए तो उसे आत्महत्या की कोशिश का नाम देकर उसकी आवाज़ को दबा दिया करते थे। अब बात चाहे जो भी संविधान के अंतर्गत मिले कुछ मूल अधिकारों में जीने का अधिकार भी है, जिसकी किरण रिजिजू ठीक तरह से व्याख्या करते हैं। वो लोकसभा में कहते हैं कि ला कमीशन के अनुसार धारा 309 को अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। चूँकि आत्महत्या की कोशिश में बच जाने वाला पहले ही मानसिक दबाव झेल रहा होता है, ऐसे में अगर उसे कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़े तो बिल्कुल ठीक नहीं, यानी कि वो पागल हो जाएगा। देखा जाए कि उसकी तबीयत ठीक भी है क्योंकि आत्महत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति चाहे जो भी हो उसे सजा की जरूरत नहीं बल्कि काउंसलिंग की जरूरत है, उसे मोटिवेट करने की जरूरत है, न कि उसे जेल में डालने की जरूरत है। लेकिन हमारा भारतीय संविधान का कानून इस धारा के अंतर्गत ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधा है। इसके विपक्ष में तर्क देने वाले कह रहे हैं कि अगर यह कानून खत्म कर दिया जाए तो आत्महत्या की दर में वृद्धि होने की आशंका बढ़ जाती है। इसी तरह की धारा 377 और धारा 497 के लिए भी होती है कुछ प्रावधान। आयोग द्वारा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि फैसला मानवीय आधार पर लिया गया है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए आत्महत्या का प्रयास करना बेहद गंभीर बात है
और ऐसे में अगर उसे जेल भेज दिया जाए तो दूसरी बार के प्रयास की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर दूसरी बार प्रयास होता है तो बात और भी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि वह पहले से भी अधिक सधा हुआ और प्रयास हो सकता है। जहाँ तक उन राज्यों के जो इसे ख़त्म करने को लेकर और अधिक अस्पष्टता की मांग करते हैं उनकी बात का भी जायज है, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर या किसी मांग या धरने के समय आत्महत्या करने की धमकियां या आत्मदाह कर लेने की स्थिति में भी अस्पष्ट होने की ज़रूरत है, और पुलिस को भी अपनी जांच के समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आत्महत्या व्यक्ति ने खुद अपनी समस्याओं की वजह से की या किसी ने उसे इसके लिए प्रेरित किया है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 10 साल का कारावास का प्रावधान है। तो ये थी धारा 309। अगर इसमें कोई गलती लगती है, कोई सुधार करवाना चाहते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आती है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं pbrstudy@gmail.com पर। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी जानकारी। दोस्तों, अगर आप एक ही वीडियो में धारा एक से लेकर के धारा 511 तक की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निसंकोच कमेंट करें, आपको वीडियो दिया जाएगा जिसमें शॉर्ट फॉर्म में आपको सभी धाराओं को डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सी धारा किस अपराध के लिए लगाई जाती है। जैसा कि आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि मृत्युदंड के अंतर्गत यानी कि जो धारा 376 होती है या धारा 302 होती है, ये किस अपराध में लगाई जाती है, तो इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट करिएगा, हम आपको पहुँचाएँगे वहाँ तक। थैंक यू। और हाँ, थैंक यू तो मैंने बोल दिया, लेकिन आपका एक कर्तव्य है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, कम से कम 5 फ्रेंड में तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि व्हाट्सएप में एक बार में 5 लोगों को शेयर हो जाता है, तो उम्मीद करते हैं आप ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन शेयर करने से पहले लाइक का बटन दबा करके इसे लाइक कर दें, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू एक बार फिर से।